यहाँ पर आप एक पिलर ड्रिलिंग मशीन देख रहे हैं जो कि बेल ड्रिवन भी है और गियर ड्रिवन भी है, ठीक है। और इस मशीन में स्पेशल जो मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिक्सचर को यूज़ किया गया है जो कि लॉन्ग वर्कपीस को होल्ड करने के लिए यूज़ हुआ है, और उस वर्कपीस के फेस पे आप ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आप देख सकते हैं टेबल है, टेबल को घुमा के साइड में कर दिया है, और ये कटिंग ऑयल है। और इस टेबल पे वर्कपीस आपने डायरेक्टली माउंट नहीं किया है, इस टेबल से आपने क्लैंप किया है इस फिक्सचर को। ये आप फिक्सचर देख रहे हैं यहाँ पे, और ये फिक्सचर कम 22 है और इसके दो जॉज हैं, उनके बीच में आपने वर्कपीस, ये देखिए ये फिक्सचर को टेबल से कैसे क्लैंप किया वो आप देख सकते हैं, इस तरह से क्लैंप किया है और टेबल से फिक्सचर को क्लैंप किया और फिक्सचर के अंदर वर्कपीस को क्लैंप किया गया है। और यहाँ पे नीचे भी सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया गया है, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे। ये आप कटिंग ऑयल देख रहे हैं, और कटिंग ऑयल या कूलेंट कंटिन्यूसली सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जब ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो कंटिन्यूसली हीट जनरेट होती है और हीट को डिसिपेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका जो ड्रिल बिट है वो ख़राब हो सकता है, इवन जो होल है वो भी प्रॉपर साइज़ का नहीं हो सकता, ना बने। ये ड्रिल चक है, ड्रिल चक के अंदर ड्रिल बिट लगा हुआ है, और ड्रिल बिट से आप देख सकते हैं ये वर्क पीस है, ये काफ़ी लेंथ का है, इसको डायरेक्टली टेबल के ऊपर क्लैंप नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर नीचे सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। और ये फिक्सचर के जॉज हैं, इस जॉज में आपने इस वर्क पीस को क्लैंप कर दिया है। और भी हम इसके पार्ट्स वगैरह देखेंगे यहाँ पर। फिर आप देखिए ये आप देख रहे हैं नीचे वाला हिस्सा, ये आपने सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं, ये नीचे वाला हिस्सा बेस है, और बेस जनरली कास्टिंग से बनाते हैं। इस बेस के ऊपर आप देखेंगे ये आपका कॉलम माउंटेड है, ठीक है, और इसी कॉलम के ऊपर आपका टेबल और ड्रिल का हेड भी माउंटेड रहता है। ये आप देखिए यहाँ से फीड प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इसको मूव कराएंगे तो ड्रिल बिट आपका नीचे की तरफ आता है, ड्रिल बिट रोटेट भी होता है, और ये हैंड व्हील को जैसे जैसे घुमाते जाएंगे तो वो अंदर उसका जो डेप्थ है वो कवर करता जाएगा। ये खास से आप देख रहे हैं, और ये ध्यान रखा जाता है वर्क पीस हार्ड है तो फीड धीरे धीरे प्रोवाइड की जाती, सॉफ्ट है तो आप फीड तेज़ी से प्रोवाइड कर सकते हैं, और फीड यदि आप ज़्यादा तेज़ी से प्रोवाइड करेंगे तो जो होल बनेगा वो रफ बनेगा और ड्रिल बिट भी टूट सकता है। ये आप जैसे हैंड व्हील है इसको घुमाएंगे तो जो आपका टेबल है वो टेबल वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म लगा होता है, तो जैसे हैंड व्हील को घुमाएंगे तो रैक घूमेगा और पिनियन घूमेगा और रैक लगा हुआ है तो उससे आपका ये ऊपर नीचे होगा। या देखिए यहाँ पे ये आपका कॉलम माउंटेड है, और इस कॉलम के ऊपर आपका ये ड्रिल वाला पूरा हेड माउंटेड है, इसमें बेसिकली पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और जो स्पिंडल की स्पीड है उसको कम ज़्यादा करने की जो मैकेनिज्म है वो इसके अंदर ही माउंट किया गया है। ये मोटर है, मोटर से ये आपका गार्ड है, और गार्ड हमेशा लगा रहना चाहिए जब मशीन ऑपरेट करते हैं, गार्ड को खोलेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ से बेसिकली पुली है, पुली से बेल्ट ड्राइव के थ्रू इधर पावर ट्रांसमिशन होता है, और इसमें बेल्ट और गियर दोनों सिस्टम हैं इस मशीन के अंदर। ये अभी कंप्लीट होने वाला है वर्क पीस, और ड्रिल बिट का मटेरियल आपको मालूम होगा, हाई स्पीड स्टील के जो ड्रिल बिट आते हैं ड्रिल बिट्स, और फीड वगैरह कैसे प्रोवाइड है। ये स्टार्टर है, और ये मोटर से आप इस तरह से पावर ट्रांसमिट करते हैं, और बाकी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड का किस तरह से, जब गियर इंगेज होगा तो फर्स्ट पुली और ये पुली में पावर ट्रांसमिट करेंगे तो 617 मिलेगा, डिसइंगेज होगा तो 86 मिलेगा। तो इस तरह से आप आरपीएम को सेट कर सकते हैं, जनरली सॉफ्ट मटेरियल के लिए ज़्यादा आरपीएम रखते हैं और हार्ड मटेरियल होता है उसके लिए कम आरपीएम रखते हैं, डेप्थ पे डिपेंड करता है, ये डेप्थ पे भी डिपेंड करता है आरपीएम। और ये वर्कपीस हो गया, ये एलन कीसेस को ओपन किया जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।